हेलो गाइस, तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं यूपीपीसीएससी मुख्य परीक्षा 2018 का जो पेपर है। पहला पेपर आज सामान्य हिंदी का था, जो 150 मार्क्स का है और 3 आवर्स का है। ठीक, ये 4 पेजेस में है, सभी को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पेपर है पीडीएफ, ठीक, ये एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें हम लोग नहीं देखना है, बस आपको देख लीजिए इसमें कि कौन कौन से पेपर आए, कौन कौन से प्रश्न आए थे, किस टाइप के पेपर इसमें पूछे गए थे। ठीक, प्रत्येक के अंक का जो यानी कि प्रश्न के सामने ही दिए गए हैं। ठीक, प्रार्थना पत्र, पत्र या किसी अन्य प्रश्न के उत्तर के साथ साथ अपना अथवा अन्य का नाम, पता या अनुक्रमांक आपको नहीं लिखना है। ठीक, उसकी जगह आपको क ख ग या जो जरूरी लगे। ठीक, यहाँ पे दिया था कि गद्यांश, और उसको आपको ध्यान से पढ़ के उसका आंसर देना था। और प्रश्न देख लीजिए कि गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में आपको लिखना था, और साहित्य के लक्ष्य के विषय में उपयुक्त गद्यांश। ठीक, तो इन गद्यांश के जो दिया है उसी के आधार पर ये प्रश्न दिए गए हैं, इसी का आंसर उसके अकॉर्डिंग लिखना था। दूसरा भी गद्यांश ऐसे ही आया था। ठीक, आपके सामने ये गद्यांश है और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। बस यहाँ से आप एक फॉर्मेट इसका देख लीजिए कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में। ठीक, तो ये 3 प्रश्न इस पर भी बनाए थे। और नेक्स्ट जो है आपका, कुछ प्रश्न दिए थे उसके उत्तर देना था कि यहाँ पे देखिए, पहला दिया था कि अधिसूचना को परिभाषित करते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षकों की सेवानिवृत्त व्यय यानी आयु बढ़ाने के संदर्भ में एक अधिसूचना का प्रारूप अब तैयार करना था। स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भेजने के लिए एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें यूपी के कुपोषण से जूझते हुए बच्चों के इलाज के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से पूर्व में मांगी गई सहायता को यथाशीघ्र स्वीकृत करने हेतु आग्रह करना। ठीक, नेक्स्ट है आपका उपसर्ग और प्रत्यय का एक एक शब्द बनाना था इसमें। आदि परि भर अठ नी खुश इक आइन और आई अक्कड़। ठीक, ये रहा है। विलोम शब्द करना है, आवरण कृतज्ञ आज्ञ नैसर्गिक अधम। ठीक, वाक्यों को शुद्ध करना है, यह आँखों से देखी घटना है। ठीक, यह आँखों देखी घटना है से हटा दीजिए। 100 रुपया स धन्यवाद प्राप्त हुआ गीता ने, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। निम्न शब्दों की वर्तनी का संशोधन करना है। ठीक, जैसे शिक्षणेत्तर उपरोक्त का। और नेक्स्ट है यहाँ पे एक एक शब्द वाक्यांशों के लिए लिखना है कि आकाश को चूमने वाला, संध्या और रात्रि के बीच का समय, हमेशा रहने वाला, 100 में 100, जो बात का वर्णन, जो बात वर्णन से परे हो। ठीक, नेक्स्ट था आपका कि मुहावरों और लोकोक्तियों को स्पष्ट करना था। और ये अंतिम प्रश्न है था कि नक्कार खाने की में तूती की आवाज़, मक्खी मारना, तिल का ताड़, सिर आँखों पर बैठाना, हवा का रंग देखना, ढाक के 3 पात, गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के, कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अकारथ जाए, फूहड़ चालें नौ घर हालें, अपनी करनी पार उतरनी। ठीक, ये सभी आपका लोकोक्ति और मुहावरे, उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना था। एक महत्वपूर्ण बात और है कि मुख्य परीक्षा में जो पहले आपका 2017 में जैसे क्वेश्चन देता था, उसके बाद उसका आपको गैप देता था, यानी कि आंसर लिखने के लिए एक स्पेशल स्पेस देता था उसमें, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं था। और इसमें एक आपको क्वेश्चन नहीं दिया था, बल्कि आपको पेपर वो कॉपी दिया था लिखने के लिए, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप भी कॉपी भी वहाँ पे ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें चेंजेज किए गए थे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, और पीडीएफ की लिंक हम आपको नीचे प्रोवाइड करा देंगे। शाम को एक सेकेंड मीटिंग में भी आपका जो पेपर है उसमें निबंध का पेपर है। ठीक, उसको भी आपको शाम को प्रोवाइड कराया जाएगा। और नेक्स्ट जो कल GS फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर है, ठीक, 19 से, उसके बाद 20 को सेकेंड और थर्ड और फोर्थ है, 21 को गैप करके 22 को आपका ऑप्शनल है। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसी तरह से जो भी पेपर है उसके वीडियोज और पीडीएफ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्र तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।